दोस्तों, पाकिस्तान भले ही अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बताने की लाख कोशिश करे, लेकिन उसकी असलियत उसके मुंह पर तमाचा मारती हुई नजर आती है। आप सोच रहे होंगे कि भला पाकिस्तान में ऐसा क्या हो गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान खस्ता आर्थिक हालतों से गुजर रहा है और पाकिस्तान की आर्थिक पकड़ पूरी तरह चाइना के हाथों में जा चुकी है, जिसके बाद देश में सरकार के तख्ता पलट होने की खबर लगातार पाकिस्तान में आ रही थी। लेकिन हाल ही में पाकिस्तान में कुछ ऐसा हुआ कि इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। दरअसल मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दोपहर करीब 3 बजे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा की गई। बताएंगे आपको इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों बता दें कि इमरान खान की गिरफ्तारी को पाकिस्तानी रेंजर्स द्वारा अंजाम दिया गया। इमरान खान इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपने ऊपर चल रहे 2 केसेस में जमानत के लिए वहां पहुंचे थे, लेकिन इस बात का अंदाजा शायद खुद इमरान खान को ही नहीं था कि उन्हें जमानत नहीं बल्कि जेल पहुंचा दिया जाएगा। मंगलवार को लाहौर से पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंचने से कुछ देर पहले ही इमरान ने कार से एक वीडियो मैसेज जारी किया था। उन्हें वीडियो में कहते हुए सुना जा सकता है कि फौज कान खोलकर सुन ले, वो डरने वालों में से नहीं है और ना ही वो पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। इसके करीब 4 घंटे बाद ही दोस्तों पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर से बिल्कुल फिल्मी अंदाज में बायोमेट्रिक रूम से शीशे तोड़कर इमरान खान को बाहर निकाला जाता है और फिर उन्हें घसीटते हुए पाकिस्तान रेंजर्स गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। पाकिस्तान के अखबार दी डॉन को एक चश्मदीद ने बताया, जैसे ही इमरान खान हाईकोर्ट में दाखिल हुए वैसे ही पैरामिलिट्री फोर्स भी हाईकोर्ट में दाखिल हो गई। बख्तरबंद गाड़ियों से गेट ब्लॉक कर दिए गए। इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया में साफ देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी रेंजर्स कोर्ट के अंदर से इमरान खान को लेकर आते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी की ताकत इतनी है कि वहाँ की जुडिशरी भी ये सब तमाशा चुपचाप देख रही थी। बस फिर क्या था दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर सुनते ही उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और देखते ही देखते पाकिस्तान में जगह जगह दंगे जैसे माहौल क्रिएट हो गए। जहां एक तरफ ये देश पहले ही आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, अब वहां दंगे भी हो रहे हैं, वो भी राजनीतिक उठापटक की वजह से। सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए तो भाई पाकिस्तान के लिए हर नया दिन उसे अंधेरे की तरफ धकेल रहा है। आपको बता दें कि इमरान की गिरफ्तारी के बाद उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मीडिया में यह बयान दिया गया कि खान को रॉड से पीटा गया है और उनके साथ बदसलूकी भी की गई है। इससे पहले भी रविवार को एक रैली में इमरान खान ने खुफिया एजेंसी ISI की पॉलिटिकल विंग के चीफ फैसल नसीर पर बेहद संगीन आरोप लगाए थे। खान ने कहा था, फैसल मुझे मार देना चाहता है और उसके इस चाल में पाकिस्तान के कुछ बड़े अफसर उसका साथ भी दे रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की फौज को सामने आना पड़ा और अपने ऊपर लगे इन सभी इल्जामों को फौज ने बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। बता दें दोस्तों कि वैसे तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री पर इस समय 110 से भी ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के अखबार दी डॉन में छपे एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग अल कादिर ट्रस्ट घोटाला 50 अरब से ज्यादा का है और इसका फायदा इमरान के साथ साथ उनकी पत्नी बुशरा बीबी और बुशरा की दोस्त फरहा गोगी ने उठाया है। ये एक यूनिवर्सिटी से जुड़ा मामला है। दरअसल इमरान ने बतौर प्रधानमंत्री एक यूनिवर्सिटी के लिए इलीगल तौर तरीकों से अरबों रुपयों की जमीन हासिल की थी। इस मामले का खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि पाकिस्तान की सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज ने किया था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इमरान ने यह जमीन मलिक रियाज से ही ली थी। रियाज ने आरोप लगाया था कि इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने उन्हें गिरफ्तारी का डर दिखाकर अरबों रुपये की जमीन अपने नाम करा ली थी। बाद में रियाज और उनकी बेटी की बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ था। इसमें रियाज की बेटी कहती है कि बुशरा बीबी लगातार उनसे 5 कैरेट के हीरे की अंगूठी मांग रही हैं। खास बात यह है कि अल कादिर यूनिवर्सिटी में 3 ही ट्रस्टी हैं, इमरान, बुशरा और बुशरा की दोस्त फरहा गोगी। इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ 32 स्टूडेंट्स ही हैं। खान के ऊपर कुल मिलाकर 110 केस हैं। तोशाखाना केस, मां के नाम पर बनाए गए हॉस्पिटल के लिए आई फंडिंग का पार्टी के लिए यूज करना, टेरेन व्हाइट केस और बेनामी फॉरेन फंडिंग, ये 4 केस ऐसे हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी तय है। यही वजह है कि खान इनमें से किसी भी मामले में जल्दी से अदालत के सामने पेश नहीं होते और कोर्ट से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन इस बार उन्हें कोर्ट आना बहुत महंगा पड़ गया। पिछले महीने भी इमरान को पकड़ने के लिए रेंजर्स उनके घर तक जा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा था। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान का माहौल लगातार बिगड़ता देखा गया है। पाकिस्तान की होम मिनिस्टर राणा सना उल्लाह ने मीडिया को जवाब देते हुए कहा है कि इमरान और बुशरा बीबी को पिछले साल मई से ही NAB यानी कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से बयान दर्ज कराने के लिए काफी नोटिस जारी किए जा रहे थे, लेकिन इमरान लगातार नोटिस को अनदेखा कर रहे थे और जांच में शामिल नहीं होकर कानून के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे थे।
उनकी मानो तो ये 50 से 60 अरब रुपए का घोटाला है। फिलहाल इस वक्त इमरान को इस्लामाबाद से रावलपिंडी में किसी जेल के स्पेशल सिक्योरिटी में रखा गया है। बुधवार को उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इमरान की गिरफ्तारी के पीछे दूसरे और भी कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2018 में इमरान खान को प्रधानमंत्री फौज ने ही बनवाया था। बाद में ISI चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ट्रांसफर के मुद्दे पर उनका उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एक जबरदस्त विवाद भी हो गया था। इसके बाद फौज ने इमरान खान को छोड़ शाहबाज शरीफ का साथ देना ज्यादा बेहतर समझा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इमरान की सरकार पिछले साल अप्रैल में गिरा दी गई। बस फिर क्या था, सेना के साथ हाथ मिलाने के बाद जब इमरान की सरकार को पलट दिया गया तो इसके बाद इमरान फौज के खिलाफ लगातार बयानबाजी करते नजर आने लगे। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने बाजवा को गद्दार तक कह डाला था। हाल ही में एक बार फिर से रविवार को इमरान ने एक रैली में फौज के एक बड़े अफसर फैजल नसीर पर अपने कत्ल की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद सोमवार को फौज ने मीडिया में एक वीडियो रिलीज कर कहा कि खान गलत इल्जाम लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। उसके बाद इमरान ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट निकलने से पहले फिर से एक वीडियो जारी किया। इसमें उन्होंने एक बार फिर से फौज के खिलाफ कड़वे शब्दों का यूज किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ फौज का ही नहीं है और मैंने सच बोला है। उन्होंने बताया एक फौजी अफसर उनके कत्ल की साजिश रच चुका है लेकिन वो मौत से नहीं घबराते। इसके बाद जैसे ही वो हाई कोर्ट पहुंचे पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में अलग अलग जगह लोग सड़कों पर उतर आए। इमरान की गिरफ्तारी के बाद लाहौर में एक आर्मी कमांडर के घर खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। उनके घर में रखे बेशकीमती सामान तोड़ दिए गए और कुछ लूट कर ले गए। इसके अलावा पेशावर और बन्नू नाम के शहरों में पुलिस और PTI कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई की खबरें भी सामने आई हैं। इमरान की पार्टी PTI के नेता मुसर्रत चीमा ने एक वीडियो मैसेज रिलीज करके बताया कि इमरान खान को टॉर्चर किया जा रहा है, वो खान साहब को बुरी तरह पीट रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इमरान के वकील का भी वीडियो शेयर किया गया है जिसमें देखा जा सकता है कि उनके सर पर चोट आई है। खैर, पाकिस्तान में चल रही इस उठापटक को देखकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने गिरफ्तारी के बाद होम सेक्रेटरी और इस्लामाबाद के पुलिस चीफ को 15 मिनट के अंदर अंदर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। जस्टिस फारूक ने कहा अगर पुलिस चीफ कोर्ट में पेश नहीं हुए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहाँ बुलाएंगे। ये लोग कोर्ट में आए और बताएं कि इमरान को किस मामले में और क्यों गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल पर आरोप है कि वो इमरान को हर मामले में बचा रहे हैं। लाहौर हाईकोर्ट तो हर मामले में उन्हें जमानत दे देता है। यही वजह है कि खान अपने खिलाफ दर्ज सभी केसेस लाहौर हाईकोर्ट में ही ट्रांसफर करना चाहते हैं। खैर, बुधवार को इमरान को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और देखने वाली बात यह है कि आज तक जैसे तैसे बचने वाले इमरान खान का बुधवार को क्या होगा। आपकी क्या राय है पाकिस्तान में चल रही इस उठा पटक को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।